हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की हमारी क्लास ट्रेन है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की क्वेश्चन किस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं रेलगाड़ी ट्रेन में, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इंडिया में कोई सा भी एग्जाम होता है, ट्रेन का एक आध क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। अपकमिंग एग्जाम जैसे NTPC की बात करें, रेलवे का एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम, तो ट्रेन का एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है और ट्रेन का क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो चलते हैं, आपके NTPC एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर। इस चैप्टर के हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज की क्लास में हम ट्रेन के कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ट्रेन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट रखते हैं और क्या क्या चीज़ें ट्रेन में आती हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलते हैं ट्रेन के पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड, मैंने ये मानी ST है। स्पीड क्या है? ST है। और जो ट्रेन है, ट्रेन की बात करें तो हम ट्रेन की कुछ लेंथ होती है, कुछ लंबाई होती है, इस बात से अग्रे ट्रेन की जो कुछ लेंथ होती है उसे मैंने क्या माना? LT। ट्रेन की लेंथ को, लंबाई को, दूरी को क्या माना? मैंने LT माना। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, ये ट्रेन की बात हो गई। ट्रेन एक लड़के को, या किसी पोल को, मतलब कोई ऐसी चीज जैसे इसको, ये एक पोल हो गया मान लो, इसको क्रॉस करने में कुछ टाइम लेती है, कुछ स्पीड से इसको पार करने में टाइम लेती है, तो आपको डिस्टेंस बतानी है कि डिस्टेंस कितनी होगी। इस केस में आप हमेशा याद रखेंगे, ऐसी चीज़ जिसकी कुछ दूरी नहीं होती, जैसे हम अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूँ तो मेरी कुछ दूरी नहीं होगी, फिक्स दूरी नहीं होगी, मतलब जिसकी दूरी हम क्या करें, नेगलेक्ट मान लें, दूरी तो मतलब नेगलेक्ट कर लें। जैसे एक बॉय, एक पोल, एक ट्रेन जा रही है, एक पोल को पार कर रही है, तो वह कितनी दूरी, डिस्टेंस कवर करेगी। हम इस केस में क्या करेंगे, पोल को जिसकी दूरी हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट मान लेंगे, इसकी कोई दूरी नहीं मानेंगे, ऐसी चीज़ है, ठीक है। इस केस में आप ट्रेन की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है, पहला कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता क्या है, एक पर्सन ए से बी स्थान तक गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो कवर करा, एक पर्सन ए स्थान से बी स्थान तक गया, यहाँ तक की जो दूरी कवर करेगा, वही आपकी डिस्टेंस होती है, आगे बात समझ में। ऐसी हम बात कर रहे हैं, एक ट्रेन एक पोल को पार कर रही है, एक लड़के को पार कर रही है, तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होती है, ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो खाली अपनी डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे कि ये पोल है, मान लीजिए एक ट्रेन आई, जो ट्रेन आई वो आगे पार करेगी, यहाँ से पार करेगी, जब पार करेगी तो अपनी डिस्टेंस कवर करेगा, ट्रेन हमेशा ये कवर करेगा, अपनी लेंथ कवर करेगा, जो उसकी अपनी खुद की लेंथ होगी वो कवर करेगा, याद रखना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी LT, स्पीड हमारी थी ST, तो टाइम लगेगा T, तो टाइम कितना आ जाएगा, LT/ST, बस ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो आपका यही है, यही रामबाण है इस चैप्टर का, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यही फॉर्मूला सब कुछ है। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि जब एक ट्रेन किसी पोल को, किसी बॉय को, मतलब कोई ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी खुद की कोई डिस्टेंस नहीं होगी, वो उतनी डिस्टेंस कवर करेगा जितनी उसकी लेंथ होगी, आगे बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, सेकंड कॉन्सेप्ट। एक ट्रेन है, ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हमारा, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड ST है, और जिसकी लेंथ LT है, ठीक है। एक पर्सन है जिसकी स्पीड SP है, तो उस पर्सन को कवर करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, बात समझ में आई, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले केस में क्या था हमारा, जब पहला केस था, जो पर्सन था वो एक जगह खड़ा था, जब मैंने पहला केस बताया पोल के लिए या बॉय के लिए, तो वो एक जगह स्थिर खड़ा था,
पर अब इस केस में क्या हो रहा है, जो पर्सन है वो भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है। पहली चीज, मैं सेम डायरेक्शन कह रहा हूँ, पर्सन भी इस तरफ चल रहा है और ट्रेन भी उसी साइड चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, दोनों की स्पीड है। तो मैंने आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ रिलेटिव स्पीड भी काम आएगी, हर चीज़ काम आएगी, हर चीज़ रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में चल रही थी। बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक पर्सन को कवर करने में ट्रेन को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, खुद की डिस्टेंस, जितनी ट्रेन लंबी होगी उतनी डिस्टेंस को कवर करनी पड़ेगी। तो ट्रेन की लेंथ कितनी थी, एल टी। जो हमारी स्पीड हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एस टी माइनस एस पी। एस टी माइनस एस पी ही होगी, क्योंकि जो ट्रेन की स्पीड होगी वो पर्सन से ज़्यादा ही होगी हमेशा। इस बात से तो एक ही है ना आपकी, जो ट्रेन की स्पीड होगी वो पर्सन से ज़्यादा ही होगी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। आगे बात सुन में, ये कौन सा केस है, जब पर्सन और ट्रेन एक ही साइड में चल रहे हैं, दोनों की स्पीड है। अब सेकंड केस, ट्रेन और पर्सन एक दोनों की तरफ आ रहे हैं, मतलब ट्रेन इस तरफ जा रही है तो पर्सन इस तरफ आ रहा है, जो ये पर्सन है इस तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, डिस्टेंस तो उतनी ही कवर करेगा अपनी लेंथ के बराबर, जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जब एक दूसरे की तरफ आते हैं अपोजिट साइड से आते हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है, तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। बस ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, पहले और दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। पहले कॉन्सेप्ट में क्या था, जो हमारा पर्सन था या पोल था वो एक जगह खड़ा रहता था। दूसरा केस क्या था, हमारा पर्सन भी चल रहा था और ट्रेन भी चल रही थी। पहला केस सेम डायरेक्शन में चल रहा था और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट रहेगा। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, या थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, तीसरा कॉन्सेप्ट। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या है, एस टी है, और लेंथ क्या है, एल टी है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि एक ट्रेन है एक प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को या केब को जिसकी खुद की एक डिस्टेंस होती है, प्लेटफॉर्म है जैसे हमारा एक स्टेशन है कार्डोलम का, उसकी एक खुद की डिस्टेंस है, ठीक है, ब्रिज है, कोई ब्रिज को पार कर दिए, किसी कीप को पार कर दिए, जिसकी खुद की एक डिस्टेंस हो, उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। सेम बेसिक फॉर्मूला क्या हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला है। जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, पहले मैं केस मान ले रहा हूँ प्लेटफॉर्म की, मैं प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस क्या मान ले रहा हूँ, चलो एक्स मान ले रहे हैं, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस मैंने एक्स मान ली। जो डिस्टेंस कवर करेगा एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, देखो जैसे कि प्लेटफॉर्म है, ये कि ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। ये ट्रेन आई, अब जब यहाँ से घुसी, ये गई और ये बोलिए पूरी पार कर दी, यहाँ पार हो गई, इस जगह पार होगी ना, जब उसका लास्ट डिब्बा चलाएगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की डिस्टेंस, ये दोनों कवर करनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस भी कवर करेगा और अपनी लेंथ भी कवर करेगा। जब उसका पूरा लास्ट डिब्बा स्टेशन से बाहर हो जाएगा तब वो ट्रेन स्टेशन से बाहर होगी। तो कहने का मतलब ये है, जब पर्टिकुलर किसी चीज़ की डिस्टेंस होती है, खुद की उसकी अपनी डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। और प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड होगी, नहीं होगी, प्लेटफॉर्म तो स्थिर है, एक जगह रहेगा, तो स्पीड किसकी होगी, ट्रेन की होगी, एस टी मल्टीप्लाइड बाय टी, यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, प्लेटफॉर्म हो गया, ब्रिज हो गई, केव हो गई, गुफा हो गई, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसकी पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस होती है उसको कवर करने में जो डिस्टेंस आएगी वो लेंथ आएगी ट्रेन की भी और उस पर्टिकुलर स्थान की भी, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया उसकी स्थान की भी, दोनों को प्लस कर लेंगे, डिस्टेंस हमारी दोनों की प्लस हो जाएगी। आगे बात समझ में, इतना बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, दोनों ट्रेन में एक दूसरे की तरफ आ रही है, अपोजिट साइड से आ रही है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ से आ रही है, तो आपको बताना है कि इन दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, पहले वाली ट्रेन की लेंथ दे रखी है L1, दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ दे रखी है L2,
पहले वाली ट्रेन की स्पीड देखिए S1, दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड देखिए S2। अब आपसे पूछा है ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में या कितने टाइम में पार कर लेंगी, अपोजिट डायरेक्शन की बात करी गई है। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला ही हमारा बेस है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। जो डिस्टेंस होगी, पहली चीज आप बताओ मुझे डिस्टेंस कितनी होगी, दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी। ये मान लो दो ट्रेनें हैं एक दूसरे को पार कर रही हैं, ये गई, अब पार हुई, ये पार हो गई, दोनों ट्रेनें पार हो गई, तो इसकी जो लेंथ होगी और इसकी भी कुछ लेंथ होगी, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2, दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी L1 प्लस L2। और जो अब स्पीड होगी, स्पीड में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, रिलेटिव स्पीड में, दो जने चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, दो ट्रेनें चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन से चल रही हैं, तो क्या होगी स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। या दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो हमारी अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, सॉरी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, हमारी प्लस हो जाती है। स्पीड क्या हमारी थी S1 प्लस S2 × t, हमारा यहाँ से टाइम निकल जाएगा। ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं, बस कॉन्सेप्ट आज की क्लास में मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ट्रेन में कैसे कैसे रखते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो ट्रेन का सॉल्व कर देंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं आपको पहली क्लास से ही समझाता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश क्या करें। नंबर ऑफ क्वेश्चन डिपेंड नहीं करते, जितने ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट डिपेंड करते हैं। चलते हैं अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पढ़ लेते हैं, अगर ये ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही होती, मान लो ए स्थान है बी स्थान है, ए स्थान है और ये बी स्थान है, ये भी ए से बी जा रही होती और ये भी ए से बी जा रही होती, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही होती, दोनों एक ही तरफ चल रही होती, सेम डायरेक्शन में चल रही होती, तो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगता, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगता। पहली चीज एक दूसरे को पार कब करेंगे, एक दूसरे को पार जब ही कर सकते हैं जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से तेज हो या फास्ट हो, तभी तो पार करेंगे। ठीक है, जो हमारी डिस्टेंस है दोनों को पार करना, मतलब दो ट्रेन है ये सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये दो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे को पार करना है, तो ये एक ट्रेन ये आगे चल रही है पीछे चल रही है, ये आई इसे पार करेगी पार करेगी पार करेगी, यूं करके पार करेगी, पार कब होगी जब ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, तो हमारी डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेन की लेंथ प्लस हो जाएगी। जो डिस्टेंस होगी दोनों ट्रेन की लेंथ प्लस हो जाएगी, और जो स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड जो होगी, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। बड़े वाले में से आप छोटे वाले को माइनस कर देंगे, या आप इसको यहाँ डिफरेंस लिख सकते हैं, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से कम वाले की स्पीड को आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ये, एक ट्रेन ये है, दो ट्रेन है, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है। ठीक है, एक ट्रेन में एक आदमी बैठा है पहली ट्रेन में एक आदमी बैठा है और कंडीशन दे रखी है जो दूसरी वाली ट्रेन है S2 greater than S1, जो इस वाली ट्रेन की स्पीड इस वाले से ज़्यादा है, मतलब ये फास्टेस्ट ट्रेन है और ये स्लोअर ट्रेन है, मान लो ये स्लोअर ट्रेन है, एक आदमी बैठा है, तो ये आदमी बैठा है, इस आदमी को पार करने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सेम वैसे करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है। सोचने वाली बात यहाँ पर बस इतनी सी है कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, इस आदमी को इस ट्रेन को पार करने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, खुद की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ये हो जाएगी डिस्टेंस L2 हो जाएगी। समझाता हूँ थोड़ा सा, आप कभी ट्रेन में गए होगे,
आप बैठो, आप बैठे हो और एक ट्रेन आपके बगल से जा रही है, आपसे के बगल से जा रही है। आपने पहले देखा इंजन आया, इंजन से आपको पार करने में, इंजन से जब लास्ट जगह दूसरी ट्रेन का पार करने में जब आया तो आपको कहाँ तक दिखी, उस ट्रेन की लेंथ ही तो दिखेगी, अपनी ट्रेन की लेंथ तो नहीं दिखेगी ना। तो यही सोचना कि आप जब बैठे हो, जब दूसरी ट्रेन आ रही है तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, जो उस दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ होगी। बस लेंथ तो एल टू हो जाएगी, पर स्पीड क्यों देगी, स्पीड क्यों देगी, दो ट्रेनें चल रही हैं, दो ट्रेनें चल रही हैं सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो स्पीड क्यों देगी, माइनस होगी। और मैंने आपको बताया था ये फास्टेस्ट ट्रेन है, तो क्या हो जाएगा, एस टू माइनस एस वन इंटू टी। ठीक है, ये हो गए आपके कॉन्सेप्ट ट्रेन के, इससे ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट आपके कोई ट्रेन में नहीं। एक क्वेश्चन होता है, एक और कॉन्सेप्ट उसको समझ सकते हैं हम, वो आपको मैं पहले समझाता हूँ कि एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन जा रही है और कुछ पोल खड़े हैं तो आपको ट्रेन की स्पीड दे रखी होगी, और आपसे पूछा होगा, टाइम दे रखा होगा, कुछ भी दे रखा होगा कि उनके बीचों में कितने पोल पड़े। इस टाइप से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, चलो उसको करवाते हैं। पहले आप क्वेश्चन समझें, फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये है, देखो एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर से, ये क्या करती है, कुछ पोल खड़े हैं, मुझे नहीं पता कितने पोल खड़े हैं, उनको 20 मिनट में पार कर देती है, जितने भी पोल थे उनको 20 मिनट में पार कर देती है, तो नंबर्स ऑफ पोल बताओ, कितने पोल थे। और एक कंडीशन और दी है कि इन दो पोलों के बीच की दूरी, इन दोनों मतलब जो पोल हैं उनके बीच की जो दूरी है, सेम मतलब इक्वल डिस्टेंस में खड़े हैं, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर, मतलब दो पोलों के बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर, हर दो पोलों के बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर है। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ पोल कितने होंगे। ठीक है, आप तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड मल्टीप्लाइटेड बाय टाइम, चलो देखते हैं क्वेश्चन में, स्पीड दे रखिए, टाइम दे रखिए, एक ट्रेन की स्पीड दे रखिए और टाइम दे रखिए, तो आप उतने टाइम में इस डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं ना, डिस्टेंस निकल जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी 24 मल्टीप्लाइटेड बाय टाइम दे रखा है 20 मिनट दे रखा है, और वो किलोमीटर पर आवर्स में है, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर्स में है और टाइम आपको 20 मिनट दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे। आवर्स में चेंज करने के लिए आप किससे डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 4 = 24, डिस्टेंस आ गई आपकी 8 किलोमीटर, 20 मिनट में 24 किलोमीटर की स्पीड से कोई ट्रेन चलती है तो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो मैं 8 किलोमीटर को 8000 मीटर लिख सकता हूँ, किसी को डाउट है, 8000 मीटर लिख सकता हूँ। और क्या कहा क्वेश्चन में, 8000 मीटर लिख सकता हूँ, मतलब 8000 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, जो 8000 मीटर की दूरी आई है वो पोलों को कवर करने में तो आई है दूरी, पोलों को कवर करने में तो दूरी आई है। और आपसे क्वेश्चन में आया, दो पोलों की दूरी कितनी है, 40 मीटर, दो पोलों की दूरी 40 मीटर है, 8000 मीटर आपने दूरी कर लिए, तो यहाँ से पोलों की संख्या निकल जाएगी, डिवाइडेड बाई 40, कितना आ गया, 200, कितने पोल थे, 200 पोल थे, कितने पोल थे, 200 पोल, ऑप्शन में 200 पोल है, आपने लगा दिया करेक्ट, आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आपने इतनी नहीं मेहनत करी, आपका आंसर भी 200 आया, ऑप्शन में भी 200 था, पर आपका आंसर फिर भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया सर, इसका आंसर होगा 201। 201 कैसे होगा सर, देखो 201 कैसे होगा, दो पोलों के बीच की दूरी 40 मीटर है, इन दो पोलों के बीच की दूरी 40 मीटर है, जब मैं पहला पोल पार करूंगा, उसमें कोई डिस्टेंस दूरी आएगी, जैसे मैं गया, मैंने पार करा पहला पोल, उसके बाद मैं 40 मीटर चलूंगा ना, तो जब पहला पोल पार करूंगा तो वहां पर कोई डिस्टेंस नहीं आती, इसलिए पहले पोल को हम प्लस करते हैं। हमेशा याद रखना, आपका 200 आया तो 201, 150 आया तो 151, एक पोल ज़्यादा होता है। आई होप जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था ट्रेन के, वो मैं समझा पाया।
अगर आपको समझ में आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कल की क्लास में हम ट्रेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं आजकल के CHSL के एग्जाम में, और वो क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके CHSL के एग्जाम में आए हैं और किस टाइप के एग्जाम में NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।